आप देख रहे हैं न्यूज फोल्डर, निर्भीक, निष्पक्ष, बेबाक, आपका अपना न्यूज फोल्डर। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि द्वारका जिले में एंटी नारकोटिक सेल ने एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। एक शराब तस्कर जो कि हरियाणा से लगातार दिल्ली में अवैध शराब की खेप पहुंचाने में जुटा हुआ था। तस्करी में इस्तेमाल ऑटो को भी जब्त कर लिया गया है। आपको बता दें कि एंटी नारकोटिक सेल को लगातार इस शराब सप्लाई की शिकायत मिल रही थी और उसके बाद गुप्त सूचना के आधार पर टीम ने जाल बिछाकर सिरस धूलपुर चौक द्वारका से आरोपी को हिरासत में ले लिया है। आरोपी ने पुलिस टीम को देखकर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस टीम की सतर्कता के चलते वह भागने में कामयाब नहीं हो पाया। आरोपी की पहचान सुनील कुमार उर्फ सोनू निवासी ग्राम रानी प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। चेकिंग करने पर ऑटो में 30 कार्टून अवैध शराब लदी मिली, जिसकी कुल संख्या 1500 अवैध शराब क्वार्टर होती है। फिलहाल पुलिस ने दिल्ली आबकारी अधिनियम नीति के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। नई दिल्ली से न्यूज़ फोल्डर के लिए किरण शर्मा की रिपोर्ट।